हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो मैं काफ़ी टाइम के बाद फिर से वीडियो लेके आई हूँ। सो मैं थोड़ी सी मोटी हो गई, सो इसको इग्नोर करें। ओके, तो आज जो मेरी वीडियो है वो है बेबी बॉटल के ऊपर, मीन जो मैं अभी बेबी को यूज़ कर रही हूँ और जो मेरे को सूट हो रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो ही बना लूँ। सो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली मेरी बेबी हुई है, सो मैंने बहुत सारी बॉटल सर्च की, बहुत सारी बॉटल मैंने यूज़ कर ली है अभी तक। आधी मैंने फेंक भी दी है, सॉरी आधी मुझसे जल चुकी है और आधी मैंने अभी रखी हुई है। तो बताती हूँ मैं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये फिलिप्स की बॉटल, जो कि मैंने फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर की थी। ये 295 समथिंग की आई थिंक, मैं प्राइस साइड में लगा दूंगी। तो ये फिलिप्स की बॉटल है, मुझे नहीं पसंद आई क्योंकि ये निप्पल की वजह से मुझे अच्छी नहीं लगी। ये जो निप्पल है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक तो ये हार्ड सी है, सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरी बेबी को इसको पीने के लिए। आई थिंक दूसरों को सूट होती होगी लेकिन मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं की ये वाली बॉटल। सेकंड थिंग इसमें जो है बस इसके निप्पल में ही प्रॉब्लम है, बाकी बहुत अच्छी बॉटल है। बाकी बॉटल अच्छी है तो मैं इसको जब दूध पिलाती हूँ तो मैं दूसरी निप्पल दूसरे ढक्कन के साथ इसको लगा के पिला देती हूँ। इस बॉटल में जब वो दूध पीती है तो काफ़ी ज़्यादा, एक तो टाइम लगाती है, सेकंड जिसका 30 ml मतलब मुँह थक जाता है इसको सक कर करके और उतना फ्लो नहीं आता है दूध का। और दूसरी ये है बोनी की बॉटल है, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, आई थिंक 100 समथिंग की या फिर 70-80 रुपीज़ की होगी मे बी। सो ये बॉटल मुझे नहीं पसंद आई, इसकी ये भी निप्पल की वजह से पसंद नहीं आई। इसको पता नहीं दूध निकलता नहीं है कि क्या नहीं होता है, मैंने इसका छेद भी किया था इसमें थोड़ा बड़ा, लेकिन फिर भी दूध प्रॉपर नहीं निकलता और सारा दूध मुंह से बाहर निकाल देती है। थर्ड बॉटल मैंने जो ली थी वो थी मीमी की बॉटल, ये मैंने फर्स्ट ट्राई से ही ऑर्डर की है। ये आई थिंक 100 समथिंग की है, मुझे प्राइस याद नहीं है। सो इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी है निप्पल, तो मैं इसको भी बहुत बड़ा रेयर यूज़ करती हूँ, जब सब बोतल गंदी होती है तब मैं यूज़ करती हूँ। बट ये है, ये अच्छी है बोतल, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जैसे कि फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ बेबी के लिए अच्छी है बिकॉज इसकी निप्पल का जो साइज़ है वो छोटा है और छोटे फेस पे मतलब जल्दी सक कर सकता है बच्चा। मेरी बेबी अब बड़ी हो चुकी है, 3 month प्लस है, तो इसका सारा दूध यहाँ से बाहर से निकल जाता है, लेकिन दूध का फ्लो अच्छा है। सो ये बोतल अच्छी लगी मुझे, लेकिन न्यू बॉर्न के लिए। सेकेंड बॉटल में फोर्थ बॉटल मैं यूज़ करती हूँ लव लैब की बॉटल, ये सबसे अच्छी बॉटल है एंड सबसे ही रीजनेबल इसका जो प्राइस है। ये लव लैब की बॉटल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है ये मुझे मिली थी, ब्रेस्ट पंप लिया था मैंने स्टार्टिंग में तो उसके साथ मुझे ये बॉटल मिली थी। सो इसकी जो निप्पल है बहुत ही अच्छी है और मतलब जो इसकी शेप बनी है राउंड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये इससे पूरा सक अच्छे से करती है, फ्लो उसका अच्छा है, पीने में भी अच्छी है और जल्दी फिनिश भी हो जाता है। सो लव लैब की सेकंड मुझे ये बॉटल पसंद आई। सेकंड ये वाली लव लैब की, ये भी मैंने इसको मतलब ये बहुत यूज़ हो चुकी है तो मैंने सोचा एक और लव लैब की मंगवा लूँ। अभी मैं एक और मंगवाने वाली हूँ लव लैब की ही, तो मुझे लव लैब की बॉटल बहुत अच्छी लगी और इसका प्राइस बड़ा अच्छा है, मीन्स रीजनेबल प्राइस है इसका, मे बी 195-200 समथिंग की होगी। तो ये भी बहुत अच्छी बॉटल है, ये है 250 ml की है, तो ये मतलब काफ़ी टाइम तक मैं यूज़ कर सकती हूँ। अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी मैं पुरानी बॉटल्स यूज़ कर रही हूँ। सेकंड आपको पता ही है न्यू बॉर्न बेबी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नाक बड़े जल्दी बंद हो जाते हैं, फंस जाता है कुछ ना कुछ, तो डॉक्टर सबको ये वाली मेडिसिन ये वाली ड्रॉप डालने के लिए बोलते हैं, तो आपको भी बोला होगा, तो हर दो दो तीन तीन घंटे के बाद आप डाल सकते हो। आप मिल्क पिलाने से पहले डाल सकते हो ताकि जब मिल्क पी ले बच्चा तो उसके साथ ही अंदर चला जाए, पेट होके अंदर मतलब पॉटी के थ्रू निकाल देता है बच्चा या फिर नाक से बाहर, तो मैक्सी मेरे केस में कभी भी ना ड्रॉप डालने के बाद नाक से बाहर तो नहीं निकाला लेकिन अंदर ज़रूर चला जाता है। ये मुझे पसंद आई। और ये वाली, ये मैंने मैक्स केयर का
ऑयलिंग मंगवाई है बेबी मसाज के लिए। सो ये आपको पता ही होगा कि फूड मतलब कुकिंग में भी काम आता है, लेकिन ये बेबी के लिए बड़ा अच्छा होता है। बोलते हैं कच्चे नारियल से बनता है इसका तेल, उसकी खुशबू वगैरह सब कुछ अच्छी है। मसाज के लिए बहुत अच्छा है, अगर बेबी को रैश वगैरह हो रहे हैं मतलब उसमें डायपर की वजह से, तब भी आप पहना यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रैश क्रीम नहीं लगा रहे हो तो उसके लिए नारियल का तेल बहुत बेस्ट रहता है। और मैं जो यूज़ कर रही हूँ अभी, ये है मामा अर्थ का टमीरोन। सॉरी, मैं अभी यूज़ नहीं कर रही, लेकिन स्टार्टिंग में जब इसको कॉलिक पेन बहुत रहता था, तो आपको पता ही होगा कॉलिक पेन की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो ये वाला मैं यूज़ कर रही थी मामा अर्थ का। 249 रुपीज़ इसका प्राइस है। जैसे कि अगर पेन रहता है बच्चे को, तो आप इसको वो कर सकते हो, पेट में रोल ऑन कर सकते हो, और जिससे कि इसका मतलब सारी सारी गैस बाहर निकल जाती है, और बड़ा जल्दी मतलब बच्चों को आराम भी मिलता है। तो मेरे केस में ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसको मतलब जब हुई थी तो 14-15 दिन इसको पेट में बहुत दर्द रहा था। तो मैंने घर के कुछ प्रोडक्ट मतलब घर की कुछ होम मेड जैसे वो होती है चीज़ें होती हैं, उनको बना के मैंने बड़ा कुछ किया था इसके लिए, तो उसके पेट दर्द बिल्कुल ठीक है। सो ये भी टमीरोलोन ही है। ये है 149 का, मतलब हींग का पेस्ट होता है इसमें, हींग और सौंफ जो होती है उसका उसका ऑयल पेस्ट बनाया होता है इन लोगों ने। सो जैसे कि मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि जब इसके पेट में दर्द होती थी ना, तो मैं हींग घर पे गर्म करती थी, फिर मेरे को किचन मेरी थोड़ी दूर है तो नीचे बाहर भागना पड़ता था, तो मैंने सोचा ये मंगवा के रखूँ, और ये बहुत अच्छी है। आप भी मंगवा सकते हो, अगर आपके बच्चे के पेट में आपको लग रहा है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो पेट दर्द का कैसे पता लगता है कि फेस बहुत ज़्यादा बच्चा रेड बनाता है, जोर लगाता है, तो उससे पता लग जाता है, बहुत चिड़चिड़ा रोने लगता है। सो मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मेरे को ये बहुत काम आया है टमी रोलोन। एंड सेकेंड चीज जो मुझे काम आई है वो है मीमी की रैश क्रीम। आप देख सकते हैं ये ख़त्म कर दी है, मैंने न्यू मंगवाई हुई है और वो आ चुकी है। सो अभी बस थोड़ी सी ही बची है, तो उसको फिनिश करके वो स्टार्ट करूँगी। तो ये रैश क्रीम है, अभी मेरी 3 मंथ प्लस है ये बेटी, लेकिन अभी तक इसको इतना सा भी रैश नहीं आया है, तो ये बेस्ट है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी है। 149 रुपीज़ इसका प्राइस है, और बहुत अच्छी है ये डायपर रैश क्रीम है स्पेशल। और मतलब ज़रूरी नहीं आपको रैश होएगा आप तब भी इसको यूज़ करोगे। मैं जो करती हूँ, मैं डायपर पहनाने से पहले इसको लगा लेती हूँ, ताकि एक लेयर इसके ऊपर बन जाए, ताकि इसको रैश ना हो डायरेक्ट। और जब भी डायपर उतारती हूँ, तो 5 मिनट तक ओपन, मतलब 5-10 मिनट तक इसको ओपन रख के फिर दोबारा रैश लगा लेती हूँ, रैश क्रीम लगा लेती हूँ, जिससे अभी तक इसको रैशेस नहीं हुए है। सो ये मेरी वीडियोस थी, और मैं जो यूज़ कर रही हूँ, बाकी मैं हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। अच्छा, एक लास्ट बात मैं बोलना भूल गई, मैंने इन बोतलों के अलावा डॉक्टर ब्राउनी की बोतल भी यूज़ की है, वो बहुत अच्छी बोतल है, उसकी निप्पल बहुत अच्छी है। मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये जो ब्रश था मुझे उसी के साथ मिला था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोतल वो वाली बोतल और एक और मैंने बोनी की बोतल ली थी, वो मैंने स्टरलाइज के लिए रखी थी पानी के बर्तन में बॉईल करने के लिए, और हीटर ऑन था, और खुद मैं भूल गई थी कि मैंने वो ऑन करने के लिए लगाया, और वो बोतल बिल्कुल पिघल गई दोनों की दोनों। एंड उस एक बोतल में शायद 5-6 पार्ट होते हैं, मतलब पाइप थी, उसका ऊपर का कवर था, उसकी निप्पल थी, सब कुछ वो पिघल गया। जब मैं गई तो सिर्फ निप्पल ही निप्पल बची थी, पानी बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपको कॉलिक पेन है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो आप डॉक्टर बाउनी की बोतल ले सकते हो। उस बोतल में ये है, वो थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उससे आपको कॉलिक बहुत कम होगा। जब बच्चा दूध पीता है तो हवा बिल्कुल भी उसके पेट में नहीं जाएगी, ये श्योर है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो मैं बता सकती हूँ। इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।